प्राइस तो अभी अभी उठा और जा रहा हूँ दुधियाड़ी देवी मंदिर गोन्ना साइड। तो अभी अभी उठा मैं, और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने के चाहिए। तो मामा जी लोगों के साथ जा रहा हूँ, तो दिखाऊंगा आपको वहाँ का व्यू कि किस तरह का मंदिर है। अब इसको मनाना पड़ेगा यार, कोर्ट से जाना ही पड़ेगा अब तो। अरे चलो यार, मेरी मदद करो यार। अरे निर्मला तो यहाँ से हो चुका है चमियाला बाज़ार स्टार्ट, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है सुबह सुबह का चमियाला बाज़ार का, जो कि आप देख। ये आप सुबह की धूप देखिए पहाड़ की चोटियों पर, जो कितनी खूबसूरत धूप लग रही है जो पहाड़ की चोटियों पर लग रही है, जो कि आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चंपा देवता का मंदिर कितना खूबसूरत रथ। तो आ चुके हम यहाँ दुधियाड़ी देवी के मंदिर में, आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां लगी हैं, और ये मामा जी ने कर दी गाड़ी पार्क। और काफी खतरनाक रास्ता था यहाँ का, कच्ची रोड है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा कच्ची रोड होने के बाद भी हमारी जो दर्शन की आशा है माता दुधियाड़ी देवी की, तो वो भी पूरी होगी। और मैं दुधियाड़ी देवी माता से अनुरोध करता हूँ कि सबके परिवार को खुशहाल एवं सुख समृद्धि दे। तो मिलते हैं आपको, आप सीधा वहीं। तो गाइस ये आ चुके हैं देवता। तो गाइस देख रहे होंगे आप, जैसे कि यहाँ की मान्यता के हिसाब से देवता घर घर पर आकर अपनी पिठाई लेते हैं, तो ये माँ दुधियाड़ी की डोली और निशान। माँ माता जी जा चुकी है दूसरों के घर पिटाई लेने। अब जय हो दुधियाड़ी माता की। लुधा गांव की सुंदरता जहाँ माँ दुधियाड़ी देवी का वास है, और नीचे का व्यू बताएंगे जहाँ माता का मंडान लगता है और जहाँ मेला लगा है वहाँ का भी बताएंगे। और ये तो अभी धूप सेंक रहे हैं, आजकल आपको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है यार, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो इस कारण से यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। और ये आप खेत देखिए,
कितने सीढ़ी नुमा और अच्छे खेत हैं। व्यू देखिए आप सामने का, और ये लुधा गांव। अरे मामा जी लोग धूप का आनंद ले रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप गांव और ये चमचमाती धूप। नाश्ता जो कि हमने घर पे नहीं करा था, यहाँ कर रहे हैं, दिखा दे आपको खाना। माता जा रही है अब अपने स्थान पर जहाँ लगा है मेला और जहाँ माता का मंदिर है। काली देवी का मंदिर और ये दूसरा मंदिर माता दुधारी का। झूला और ये माता दुधारी देवी का पूरा मंदिर। आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर। के बारे में लोग बताते हैं कि 12 साल बाद लगता है, और 12 साल बाद माँ दुधारी अपने जो उनका जहाँ कक्ष होगा वहाँ से बाहर आती हैं। तो दिखाते हैं आपको माता दुधारी का मंदिर और दूसरा मंदिर भी दिखाएंगे आपको। और ये पूरा दुधारी माता का मंदिर, और ये देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की लाइन यहाँ माता के दर्शन के लिए। इतनी बड़ी लाइन है और ये लाइन बढ़ती जा रही है। और ये देख सकते हैं आप पूरा मंदिर, और ये जो माता का पैतृक मंदिर है ये ऊपर है। और ये देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की लाइन। तो ये है माँ दुधारी देवी का मंदिर, और ये माता के दर्शन कराते हैं आपको, दर्शन कराते हैं आपको माता दुधारी देवी के। आपने ले ये पिछली बार लगा यहाँ मेला माता दुधारी का। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। माँ दुधारी देवी का मंडन, आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं, आप कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। विराजमान हिमालय जन जागर के मंच के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सरब सिंह जी का सौ भेंट करें। भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला नेत्री बहुत प्यार गुसाई की आपका हर सवाल, आप हमारे मेहमान हैं, आपके घर की नजर है, मंच पर आकर अपना ऐसा इंसान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे दल संयोजन के जो फरमाई है प्यार सिंह बंसवाल जी, प्यार सिंह बंसवाल जी आप सुन रहे होंगे हमारे दल संयोजन के फरमाई प्यार सिंह बंसवाल जी, कांता सिंह बंसवाल जी, मनमोहन सिंह जी चंपल जी जो बताया है आपसे मेरा निवेदन है यहाँ पर विक्रम सिंह का जो घर है उसके पास से दल संयोजन टूट गया है आप हमारे मंच पर विराजमान है आज के हमारे जो मुख्य मेहमान है अगर आप आपको सुनता रहे तो मन से कृपा करें लोग प्रधान दास जी अगर आप आपको सुनता रहे तो मन से कृपा करें लोग प्रधान जी अब आपके पास मन से अपने एक बार जोर लाता है बजाते फिर मैं उनका नाम रोशन करूंगा मन पर आ रहे हैं हमारे जाने वाले कलाकार बहुत बहुत धन्यवाद आशा अग्रवाल जी आप सभी के भरपूर मनोरंजन कराएगी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सभी जी अब मैं ये मंच आशा अग्रवाल जी को सौंप रहा हूँ धन्यवाद माँ दुजाड़ी देवी के मेले में तो गाइस मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तब तक के लिए मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।